जैन दोस्तों, यूपीएस हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, कई दिन से ये डिमांड चल रही थी कि सर, जो यूपीपीसीएस है, यूपीएससी है, इसके क्या ऑप्शन लें, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर दीजिए। ठीक है, तो मतलब कौन सा ऑप्शन लिया जाए, थोड़ा सा उस पर गाइडेंस दे दीजिए। ये सब बातें बहुत सारे कमेंट्स में आ रहे थे और पर्सनल मैसेजेस भी आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि इस पे एक हम लोग एक वीडियो ही बना देते हैं, ताकि आप लोग को आइडिया लग जाए कि ऑप्शन लेते समय क्या क्या डिसाइड करना है, कैसे करना है। ठीक है, जनरली हमारे में क्या होता है, मैं खुद भी मतलब उसका भुक्त भोगी हूँ कि कोई टॉपर के नंबर किसी ऑप्शन में आ गए तो हम भी वही ले लेते हैं और फिर अटेम्प्ट करते रह जाते हैं, करते रह जाते हैं, और हमारे मेंस में नंबर नहीं आते हैं। जैसे मैं खुद भी आपसे बता दूं, मैंने भी टॉपर्स का देखा देखी ज्योग्राफी ऑप्शनल लिया, ठीक है, और मेरे 200 नंबर कभी क्रॉस नहीं हुए। उसका कारण क्या था कि भाई मुझे नहीं आती थी ज्योग्राफी, हो सकता है टॉपर जो था उसको आती हो, उसको ढंग से उसमें इंटरेस्ट हो तो उसके नंबर आ रहे थे, ठीक है, मुझे नहीं आ रहे थे नंबर, और मे बी ज्योग्राफी मुझे समझ में नहीं आ रही थी, बड़ा रीजन यही होता है, ठीक है, समानता। तो हमारे में से जो भी लोग हैं, आप लोग भी यही करते हो कई बार कि भाई इस समय एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन में खूब नंबर आ रहे हैं, वो ले लेते हैं, ठीक है, हिंदी लिटरेचर में खूब नंबर आ रहे हैं, हिंदी लिटरेचर ले लेते हैं। कई लोग, अरे यूपी पीसीएस दे रहे हैं, संस्कृत लिटरेचर में बहुत नंबर आए, ये ले लेते हैं। केमिस्ट्री वाला तो भाई 370, 400 में सोचो 370 आ गया, तो भाई जीएस की तो ऐसी तैसी हुआ, चाहे नहीं हुआ जीएस ऐसे ही नंबर आ जाएंगे, है ना। अभी इसी बार आप देखोगे मैथमेटिक्स ऑप्शन में बहुत नंबर आए, 333, 343 समथिंग नंबर आए। तो ये क्या होता है कि हमारे देखा देखी कई बार हम डिसीजन ले लेते हैं और फिर पछताते रहते हैं, कभी सिलेक्शन नहीं होता है हमारे इस वजह से। तो ऑप्शन बहुत ही क्रुशियल है आपका डिसाइड करना, और आपका सिलेक्शन में बहुत बड़ी भूमिका ऑप्शन निभाता है, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो जैसे आप समझेंगे, अगर मैं बात करूं, अगर कुछ क्राइटेरियाज की बात करूं कि किस आधार पे आप ऑप्शनल डिसाइड करेंगे, अगर मैं इसकी बात करूं, तो देखिए, जो सबसे पहला क्राइटेरिया है, सबसे पहला क्राइटेरिया, जो बेसिक क्राइटेरिया है, वो है कि आपका इंटरेस्ट है कि नहीं। मान लो आपने इंजीनियरिंग की हुई है, सपोज आपने इंजीनियरिंग की हुई है, तो बहुत ज्यादा चांस है कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन इन साइंस वाले सब्जेक्ट्स में आपका इंटरेस्ट होगा, बहुत ज्यादा चांस है। तो पहला क्राइटेरिया ये है कि आपका इंटरेस्ट है कि नहीं। मान लो आप आर्ट साइंस से हो और आपने यही पढ़ा, आपने अपने कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस पढ़ा, आपने अपने कॉलेज में ज्योग्राफी पढ़ा, और आपने देखा कि यार टॉपर के नंबर तो आ रहे भाई 330 मैथमेटिक्स में, केमिस्ट्री में तो आ रहे 370, है ना, और आपका बचपन से कभी केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट रहा ही नहीं है, तभी तो आर्ट लिए थे, और आप सोचोगे कि मैं ये भी ऑप्शन ले लूं तो मेरा नंबर आ जाएगा, तो ऐसा कतई नहीं होगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है सबसे पहला, कि आपका इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में जगता है कि नहीं जगता है। आप यूपीएससी यूपीपीसीएस का अगर रिजल्ट देखेंगे दोस्तों, हर ऑप्शन से सिलेक्शन हुआ है, हिंदी लिटरेचर से लेके मैथिली, संस्कृत लिटरेचर, मैंने यूपी यूपीएससी का रिजल्ट देखा इस बार का, मैथिली ऑप्शनल, हिंदी लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर, सबसे सिलेक्शन हुआ है, हर ऑप्शन से सिलेक्शन हुआ है। कॉमर्स आप देखोगे उधर, मैथमेटिक्स आप देखोगे, लॉ, एक भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिससे सिलेक्शन हुआ हो, बढ़िया से सिलेक्शन सभी से हुआ है ना। तो हम क्या लें ऑप्शनल, हम क्या लें इतनी भीड़ भड़कने में, हम क्या लें ऑप्शनल, वो अगर मैं आपसे बताऊं, वो डिस्कशन करूं, तो पहला क्राइटेरिया था कि आपका इंटरेस्ट है कि नहीं उस सब्जेक्ट में, ठीक है। जो दूसरा क्राइटेरिया वो दोस्तों, कि कंटेंट अवेलेबल है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने कोई ऐसा ऑप्शन ले लिया, आपने सपोज मान लो आपने आपने देखा कि यार कॉमर्स में काफी नंबर आ रहे हैं, मान लो आपने देखा, आपने एनालिसिस किया, फिर आपने पढ़ा कॉमर्स एक दो दिन, आपको इंटरेस्ट भी काफी, आपको लगा यार काफी इंटरेस्टिंग है कॉमर्स, तो मजा आ रहा है ना, और आप सोचे कि आपने डिसाइड कर लिया कि ये भाई वही चीज है जो मुझे वर्षों से इंतजार था, मिल गई मुझे ये ऑप्शन। पढ़ने बैठे, यूपीएससी का सिलेबस निकाले, प्रिंट किया, दीवार पे चिपकाए, अब देख रहे सिलेबस के आधे चीज के लिए किताबें नहीं मिल रही है, कोई कोचिंग नहीं अवेलेबल है, कुछ गाइडेंस ही नहीं अवेलेबल है, अब परेशान कि यार कंटेंट कहाँ से लाए, मजा खूब आ रहा था, इंटरेस्ट भी खूब लग रहा था, है ना, नंबर भी आए एक दो टॉपर्स के, है ना, लेकिन मुझे नहीं, मतलब यार मेरे लिए तो कंटेंट ही नहीं मिल रहा है, अब मैं क्या करूं, टेस्ट सीरीज मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, प्रैक्टिस कहां से करूं। तो दूसरा जो आपका क्राइटेरिया है वो ये है बेसिक, कि आपके पास कंटेंट अवेलेबिलिटी होनी चाहिए आपके ऑप्शनल की, यूपीएससी का जो सिलेबस है उसके कंटेंट होने चाहिए। आप जो भी ऑप्शनल ले रहे हैं, जिस भी मीडियम से ले रहे हैं, वो आपको लेना चाहिए। मैं धीरे धीरे आपकी एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, जैसे आप लोग कहोगे, अभी कई लोग के क्वेश्चन आ जाएंगे कमेंट सेक्शन में कि सर मेरा जो है हिंदी मीडियम है, या मेरा ये बैकग्राउंड है, वो बैकग्राउंड है, मैं सारी कोशिश करूंगा आप लोग के प्रॉब्लम दूर करने की मैं, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा पूरा वीडियो एक बार देखिएगा, एक बार पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा, तब आप लोगों को डिटेल में चीजें क्लियर होंगी, ठीक है, पूरा वीडियो एक बार कंप्लीट देखिए। तो जो पहला क्राइटेरिया था वो था इंटरेस्ट है कि नहीं, जो दूसरा क्राइटेरिया था वो था कंटेंट है कि नहीं, ठीक है। फिर तीसरा क्राइटेरिया जो एक होता है, मतलब इन जनरल एक क्राइटेरिया होता है कि नंबर आपको अच्छे मिल रहे हैं कि नहीं,
उस आर्सेनल में नंबर कैसे उठ रहे हैं, ये भी एक थर्ड क्राइटेरिया आप इसको मान सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अगर कई ऑप्शन में देखोगे, जैसे मैं मतलब एक बात कर रहा हूँ, जैसे हिंदी मीडियम की अगर बात करूं, हिंदी मीडियम ज्योग्राफी ऑप्शन अगर मान लो आप देख रहे हो और आप देख रहे हो कि 250 पार किसी का हो ही नहीं रहा है हिंदी मीडियम ज्योग्राफी से, एक आध एक्सेप्शन निकल जाए मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, इन जनरल की मैं एक एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, यार हिंदी लिटरेचर ज्योग्राफी मतलब सॉरी हिंदी मीडियम ज्योग्राफी ऑप्शन, या चलो ज्योग्राफी में तो मान लो एक दो लोग के आ जाओ, हिंदी मीडियम पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल सपोज, किसी के नंबर 230 पार हो ही नहीं रहे, 240 पार हो ही नहीं रहे, है ना। सोशियोलॉजी ऑप्शनल किसी के 230 40, या फिलोसफी ऑप्शनल हिंदी मीडियम किसी के नंबर 230 40 पार हो ही नहीं रहे। तो मेरे हिसाब से अगर आपका इंटरेस्ट भी है, कंटेंट भी अवेलेबल है, तो भी ऐसे ऑप्शन से आपको बचना चाहिए, क्योंकि एक एक इन जनरल नंबर तो आपको चाहिए ही है, आपको सिलेक्शन के लिए मिनिमम 250 प्लस नंबर रिक्वायरमेंट है ऑप्शनल के लिए। ठीक है, अभी आप लोग 5 मिनट डिस्टर्ब मत कीजिए, ठीक है। तो मिनिमम आपको समझिए, आपको मिनिमम 250 प्लस नंबर रिक्वायर्ड है ना, तो आपको ये तो चाहिए ही होगा, तो आप वो थोड़ा सा आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है, आपकी डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। जो चौथा क्राइटेरिया, वो है कि उस ऑप्शन में कंपटीशन कैसा है। ठीक है, जैसे बीए में लेके एडमिशन कंपटीशन देता है, तो गाना सुने होंगे आप लोग भोजपुरी का, गुड्डू रंगीला, काफी फेमस गाना है ना, जो नहीं सुने होंगे सुनिएगा कभी, काफी बढ़िया गाना है। इस बात को समझिए कि उस ऑप्शन में कंपटीशन कैसा है, ये बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने ज्योग्राफी ऑप्शन लिया, अब आप देखोगे ज्योग्राफी ऑप्शन में यार 300 लोग एग्जाम दे रहे हैं ज्योग्राफी, सॉरी 3000 लोग यूपीएससी का एग्जाम लिख रहे हैं ज्योग्राफी ऑप्शन से, यूपीपीएससी में लाइन से दिख जाएंगे, मतलब आपको ज्योग्राफी ऑप्शन भर भर के दिखेंगे। उस कंपटीशन में जो बहुत टफ कंपटीशन है, समझना, अभी मैं मीडियम का बैरियर हटा ही दे रहा हूं, मैं मीडियम की बात ही नहीं करूंगा, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, मैं इस बैरियर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इन जनरल बात कर रहा हूं कि जब कंपटीशन बहुत टफ है, सीधी बात है आपको हर अपने ऑप्शन में आपको टॉप 2-3 रैंक चाहिए, अगर आपको बढ़िया रैंक लेनी है, आपको यूपीपीएससी में एसडीएम बनना है, यूपीएससी में अगर आपको आईएएस बनना है, तो आपको टॉप 2-3 या टॉप 5 में तो आपको होना ही पड़ेगा अपने ऑप्शन में, सीधी बात है। आप टॉप 5 में नहीं रहोगे, आप ऐसे ही रैंक से, अच्छी खासी रैंक से आप बाहर हो जाओगे, ठीक है ना, तो आपको टॉप 5 में तो रहना ही पड़ेगा। अब इसके लिए एक जो मैंने पांचवा क्राइटेरिया मेरे हिसाब से जो मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, ऐसा ऑप्शन आप अगर आपको लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरे पास 2-3 ऑप्शनल के विकल्प है, जैसे मान लो आपको विकल्प लग रहा है कि मेरे पास एक ज्योग्राफी का विकल्प है, एक मेरे पास पॉलिटिकल साइंस का विकल्प है, थर्ड मेरे पास हिंदी लिटरेचर का विकल्प है, मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ, मान लो आपके पास 3 विकल्प है, आपने डिसाइड किया कि सेम भाई पॉलिटिकल साइंस में भी मुझे कंटेंट सारा मिल जा रहा है, पॉलिटिकल साइंस में मुझे क्या कहते हैं, मतलब इन तीनों ऑप्शन में मुझे कंटेंट भी मिल जा रहा है, मुझे नंबर भी अच्छे ठीक है, लोगों के नंबर भी आ रहे हैं, आपने ये भी देखा, आपने देखा कि इंटरेस्ट भी मेरा तीनों में है। अब आपको डिसाइड करना है कि अब मैं भाई मेरे पास 3 ऑप्शन मेरे पास बच रहे हैं, अब मैं क्या करूं, तो मेरे हिसाब से जिसमें मिनिमम कंपटीशन हो उसमें जाइए, मिनिमम कंपटीशन, क्योंकि मिनिमम कंपटीशन में, क्योंकि यूपीएससी में क्या होता है, यूपीएससी में स्केलिंग होती, तो मिनिमम कंपटीशन में आप नंबर स्कोर कर सकते हो, ठीक है, मिनिमम कंपटीशन में आप नंबर स्कोर कर सकते हो, तो आप यहां पर जाइए, ठीक है। तो आप इनमें से अगर आपको सेलेक्ट करना है तो आप हिंदी लिटरेचर ले लीजिए, क्योंकि मिनिमम कंपटीशन है, अब हालांकि बढ़ रहा है धीरे धीरे, समय के साथ बढ़ रहा है, तो आप देखोगे नंबर भी अब घट रहे हैं, हिंदी लिटरेचर में 300-300 पार हो रहे थे, इस बार के आप टॉपर्स के देखो 270-275-280 यही नंबर। तो सीधी बात है, मेरे कहने का ये मतलब है, जो थर्ड क्राइटेरिया है कि मिनिमम कंपटीशन के साथ आप जाइए, अगर आपके पास ये क्राइटेरिया है। फिर जो लास्ट लास्ट आपका क्राइटेरिया होना चाहिए, ठीक है, मैं आपसे बता रहा हूँ, लास्ट क्राइटेरिया वो है टॉपर्स कॉपी होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, ये सामान्यतः हम लोग इग्नोर कर देते हैं यार, एक सिंपल सी बात है, अगर आपके पास टॉपर्स कॉपी नहीं है, आपको इंटरेस्ट भी आ रहा है, कंपटीशन भी कम है, हर चीज एकदम सही हो गई, लेकिन टॉपर्स कॉपी नहीं, तो आप अपना कंपटीशन कैसे चेक करोगे, आप किस लेवल पे कैसे देखोगे। जैसे मान लो मैंने एक्स वाई जेड, मैंने जैसे मैं बेस्ट एग्जांपल मेरा है, यहाँ पर मैंने ज्योग्राफी ऑप्शन लिया हिंदी मीडियम, ठीक है, हिंदी मीडियम टॉपर थे लेकिन वो इंग्लिश मीडियम के थे, उनकी कॉपी देखने से लगता था ठीक है यार ऐसा तो लिख सकते हैं, मतलब हिंदी में लिख लेते हैं, ऐसा ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों की कॉपी देखो तो हिंदी में लगता था कितनी वाहियात लिखे, एक दो सेलेक्टेड थे हिंदी मीडियम में, है ना, आप देखोगे वो मतलब मुझसे भी घटिया लिखते थे, मैं कॉपी देखता था इंग्लिश मीडियम की कंपेयर करता था, अपने आंसर कंपेयर करता था, और हिंदी मीडियम के जो तथाकथित टॉपर थे जिनके खुद ही 230-40 नंबर आते थे, लेकिन हालांकि मान लो कैटेगरी है तो 230-40 नंबर पे भी आपकी रैंक तो आ ही जाती है, ठीक है, 230-40 नंबर पे आपकी रैंक आ जाती है ना। अब जनरल कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं, मान लो जनरल कैटेगरी के अगर आप हो, तो यार आपके 230-40 में कुछ होना ही नहीं है, और हिंदी मीडियम से टॉपर ही 230-40 नंबर वाला है ज्योग्राफी के लिए, जो जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, मैं दे रहा था एग्जाम, अब 230-40 नंबर का ही है, तो मैं उनकी कॉपी देखूंगा तो मेरे भी नंबर मैक्सिमम उतने आएंगे, है ना,
इंग्लिश मीडियम वालों का वो कॉपी अलग लोग चेक कर रहे हैं, जब आप उनकी कॉपी से अपने को कंपेयर करते हैं तो आपको लगता है कि आप कम हो, लेकिन आप उसको बढ़ा नहीं पाते क्योंकि कीवर्ड्स, अलग अलग तरह के डायग्राम, लिखने का तरीका इंग्लिश मीडियम का बहुत अलग है, तो आप उससे कंपटीशन नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो टॉपर्स कॉपी आपके पास हिंदी मीडियम की अवेलेबल नहीं होती, इंग्लिश मीडियम की अवेलेबल होती है। तो मेरे हिसाब से आप वो ऑप्शन लीजिए जो आपके पास टॉपर्स कॉपी अवेलेबल हो, जो आपको दिखाए कि हाँ भाई इस तरह का आंसर लिखोगे तो तुम इतने नंबर पा सकते हो, तो तुम टॉप 2, 3, 5 में आ सकते हो अगर तुम इस तरह का आंसर लिखना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, तो ये 5 क्राइटेरिया से दोस्तों आप लोग अपने ऑप्शनल डिसाइड करेंगे। ठीक है, मैं कुछ कुछ रिलैक्स भी आपको फील कराता हूँ, मैं कुछ कुछ भी डायग्राम बताता हूँ। जैसे आप देखो, अगर मैंने कुछ कुछ अलग किया, जैसे इंग्लिश मीडियम की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले इंग्लिश मीडियम की बात करूं, कोई भी ऑप्शन लो, सबका कंटेंट अवेलेबल है, सबकी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, हर चीज अवेलेबल है, मस्त कोई भी ऑप्शन लीजिए। ठीक है, तैयारी कीजिए, देख लीजिए एक बार, पहले मार्केट में चेक कर लीजिएगा टेस्ट सीरीज अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है, एग्जाम से पहले की टेस्ट बहुत जरूरी है, तो एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा, बस टॉपर्स कॉपी और टेस्ट सीरीज एक बार देख लीजिएगा, बाकी इंग्लिश मीडियम में हर ऑप्शन में नंबर खूब मिलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जम के काम हो रहा है। ठीक है, लोग सेलेक्ट हो रहे हैं भर भर के, तो इंग्लिश मीडियम को मैं नहीं मानता हूं कोई बहुत ज्यादा दिक्कत है ऑप्शनल सेलेक्शन में। एंथ्रोपोलॉजी से भी नंबर आ रहे हैं, मैथमेटिक्स से भी नंबर आ रहे हैं, साइंस के सारे सब्जेक्ट से नंबर आ रहे हैं, तो इंग्लिश मीडियम को कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पे मैं अगर बात करूं थोड़ा सा डिफरेंशिएशन हिंदी मीडियम में बात करूं, तो मैंने 3-4 ऑप्शनल देखे यूपीएससी के लिए, 2-3-4 ऑप्शनल देखे यूपीपीसीएस के लिए, मेरा जो एनालिसिस है जो मैंने देखा। अगर मैंने यूपीएससी की मैं बात करता हूं, तो यूपीएससी मैंने देखा हिंदी लिटरेचर मोस्ट टॉपर, जो सबसे ज्यादा टॉपर है हिंदी लिटरेचर में है, सीधी बात है यूपीएससी में। ठीक है, तो एक बहुत आसान विकल्प है आपके पास हिंदी लिटरेचर का, आप यूपीएससी एग्जाम दे रहे हो तो आपके पास टॉपर्स कॉपी मिल जाती है, आपको कोर्सेज भी अवेलेबल हो जाते हैं, आपको सीरीज भी मिल जाती है आराम से। इंटरेस्टिंग है ही भाई, बहुत मस्त इंटरेस्टिंग है, मतलब मुझे भी इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग काफी है और आपको कंटेंट भी मिल जाता है, तो आपको हिंदी लिटरेचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यूपीएससी की मैं बात करूं, यूपीपीसीएस की मैं बात करूं, तो यूपीएससी की बात करूं, दूसरा जो ऑप्शनल है जो हिंदी मीडियम में बढ़िया प्रदर्शन कर रहा है वो हिस्ट्री ऑप्शन। इतिहास वैकल्पिक का भी सेम चीज है, हर चीज मिल जाती है, सीरीज सीरीज आपको मिल जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम चीज। थर्ड ऑप्शन जो हमारे खुद के, जो हमारे यूपीएससी हिंदी टीम के ही आप देखोगे सदस्य हैं, भूर सिंह सर, वो खुद भी सेलेक्ट हुए पीएसआईआर ऑप्शन से, है ना, पीएसआईआर ऑप्शन से वो भी सेलेक्ट हुए, तो वो गाइडेंस भी आपको दे देते हैं समय समय पर, और वो भी ठीक ठाक नंबर उसमें भी आ रहे हैं, उसकी भी आपको चीजें अवेलेबल है मार्केट। ठीक है, तो मेरे हिसाब से हिंदी मीडियम के लिए 2-3 मैंने मैंने डिसाइड किए हैं। कुछ लोग संस्कृत लिटरेचर से भी नंबर लाए हैं, कुछ का मैथिली से भी इस बार यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ है, जो मेरी एनालिसिस मैंने देखा जो रिजल्ट से, तो मैथिली से भी सिलेक्शन हुआ है और संस्कृत लिटरेचर से भी सिलेक्शन हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से वो थोड़े अननोन ऑप्शन पड़ जाते हैं। जैसे मैथिली वही लेगा जो बीपीएससी में, जिसने मैथिली में टॉप किया हो, ठीक है, ज्यादा चांस है कि वो नंबर वहां पे ज्यादा उठा लेगा। आप नए तरीके से मैथिली लोगे तो मे भी आपको प्रॉब्लम पड़ जाए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से हिंदी लिटरेचर इतिहास हिंदी मीडियम के लिए बेस्ट ऑप्शनल है। ठीक है, मैं पीएसआईआर को भी हटाता हूँ, 2 ही ऑप्शन मेरे हिसाब से बेस्ट है अगर आप हिंदी लिटरेचर में, तो बाकी आप कोई भी लो नंबर आते हैं, ऐसी बात नहीं नंबर नहीं आते, आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। मेरे ज्योग्राफी में नंबर नहीं आए, मैं ये बोल दूं कि ज्योग्राफी ऑप्शन खराब है, ये मेरी कमी है, ये तो वही तरह से हो जाएगा जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र जब खड़ी बोली में कविता लिखे, कविता लिख नहीं पाए तो लिखे कि मैंने खड़ी बोली में कविता लिखने का प्रयास किया, वह कविता मेरे चित्त अनुसार नहीं बनी, अतः यह सिद्ध होता है कि खड़ी बोली कविता करने योग्य या पद्य भाषा नहीं है या साहित्यिक भाषा नहीं है। उन्होंने वो प्रूफ कर दिया, तो मैं भी ऐसे ही प्रूफ कर दूं पटांग कि ज्योग्राफी मेरे नंबर कम आए तो भैया कोई मत लो, ये सही बात नहीं। ठीक है, जो मैं आपसे यूपीपीसीएस की बात करूं, तो यूपीपीसीएस में देखिए हर ऑप्शन में नंबर खूब आ रहे हैं। ठीक है, मैं ज्योग्राफी ऑप्शन से खुद सेलेक्ट हो गया, बताओ 240 नंबर ठीक है अगर आप आठ आठ मतलब आपका आठ विषय है। ठीक है, अगर आपका साइंस है, क्योंकि यूपीएससी में स्केलिंग, यूपीपीसीएस में स्केलिंग नहीं होती है, ना होगी, ना विरोध करने से होगी। ठीक है, तो स्केलिंग नहीं होगी, कोई चांस नहीं स्केलिंग का मेरे हिसाब से, जो मेरा व्यक्तिगत मानना है, मेरी जो एनालिसिस कहती है, मे बी यू आयोग कर दे भविष्य के गर्त में, तो कुछ भी हो सकता है, हो सकता है आप लोग विरोध प्रदर्शन करें, कुछ ऐसे काम करें आयोग स्केलिंग के लिए मान जाए। मेरा जो व्यक्तिगत मानना है, कुछ ऐसे मैथमेटिकल्स लॉजिक हैं जो कि यूपीपीसीएस में इलॉजिकल करता है स्केलिंग, क्योंकि कई ऐसे ऑप्शन है जिसमें 2 से 3 ही लोग एग्जाम देते हैं। ठीक है, अब 2 ही 3 लोग एग्जाम देते हैं तो उन विषय का क्या होता है कि आपका ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बन पाता है, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बन पाता है उन विषयों का स्केलिंग हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यूपीपीसीएस की तो अलग प्रॉब्लम है, अब ये तो आयोग डिसाइड करेगा कि क्या है, आप लोग इसमें मतलब मैं जो अपना एनालिसिस बता रहा हूं उसके आधार पे ये है कि अगर आप साइंस वाले ऑप्शन लेते हो तो आपको नंबर 300 मिल जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका इंटरेस्ट है तो और आप लेते हो तो नंबर आपको अच्छे मिल जाते हैं।
लेकिन अगर आप 8 साइट से हो, चाहे आप हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, तो सभी ऑप्शन में एक रेंज 240 तक नंबर आराम से मिल जा रहे हैं, ठीक है, आराम से आपको मिल जाते हैं। चाहे आप कोई भी लेते हो, आप ज्योग्राफी लेते हो, आप पॉलिटिकल साइंस लेते हो, आप कोई भी ऑप्शन लेते हो, आपको नंबर एक एवरेज प्लस आपको नंबर आराम से मिल जाते हैं, आप सिलेक्शन ले सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं यूपी पीसीएस में भी बात करूं तो कंटेंट के सीरीज और बाकी चीजों की अगर एनालिसिस करूं हर चीज, तो हिंदी मीडियम में खासतौर पे हिंदी लिटरेचर यहां भी सेफ है। आपको कंटेंट भी मिल जाता है, आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाती है, आपको सारी चीजें हिंदी लिटरेचर की अवेलेबल हो जाती हैं। तो मेरे हिसाब से हिंदी लिटरेचर भी वन ऑफ द बेस्ट है, सिलेक्शन भी हो रहा है ना, सिलेक्शन भी हो रहा है। 2020 2019 हर बार हिंदी लिटरेचर का रिजल्ट रहा है यूपी पीसीएस में एसडीएम की पोस्ट पे, क्योंकि पोस्ट भी तो 51-50 यही होती है। तो उसपे भाई 2 रैंक अगर आ जाए, 50 में से अगर मान लो 22 ऑप्शनल है, उसमें से 2 भी 1 सब्जेक्ट का आ जाता है, तो मेरे हिसाब से वो सब्जेक्ट अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो यूपी पीसीएस में आप कोई भी ले सकते हो। हाँ, मेरा खुद भी भूगोल से हो गया, जबकि यूपीएससी में भूगोल मेरे 200 नंबर भी क्रॉस हो रहे थे, ठीक है, यूपी पीसीएस में 240 आ गए, तो ऑब्वियस सी बात है ना। तो यूपी पीसीएस रिलेटिवली इजी है, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे 14 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, है ना, समय काफी बच जाता है, कॉम्पिटिशन कम हो जाता है। तो मेरे हिसाब से आप यूपी पीसीएस में कोई भी ऑप्शन ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते वो जो 5 क्राइटेरिया स्टार्टिंग के बताया वो आप लोग जरूर देख लेना यूपी पीसीएस। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन आपको ऐसे डिसाइड करना है। मैंने अपनी तरफ से बताया कि आप हिंदी लिटरेचर ले सकते हो, हम लोग भी हिंदी लिटरेचर में यूपी पीसीएस की जल्दी से जल्दी क्रैश कोर्स टेस्ट सीरीज सब लॉन्च करने वाले हैं। तो जो लोग 2023-24 में दे रहे हैं बिंदास लीजिए, यूपीएससी हिंदी सारा सपोर्ट करेगी, यूपी पीसीएस यूपीएससी दोनों के लिए हम लोग क्रैश कोर्स और सारी चीजें ले आने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारी हम लोग करने वाले हैं। मैं आपसे दोस्तों बता दूं, जो आंसर राइटिंग का है, जो मेन्स आंसर राइटिंग का है दोस्तों, ध्रुव बैच अभी चल रहा है, उसको ज्वाइन कीजिए। मेन्स में कैसे आंसर लिखते हैं, कैसे डायग्राम बनाते हैं, कहाँ पे केस स्टडी यूज करते हैं, वहां पे आपको हर चीज बताई गई है ना। मौका मत चुकिए, केवल 2500 रुपए में आपको 600 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जा रही है ध्रुव बैच में, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको वो ज्वाइन करना चाहिए एक बार, आपको जरूर एटलीस्ट सैंपल वीडियोज तो जरूर देख लेना चाहिए, ज्वाइन करिए मत करिए, सैंपल वीडियोज जरूर देख लीजिए, है ना, और आपका सिलेक्शन के चांसेस मेंस में सीधे बढ़ जाते हैं। यूपी पीसीएस में तो इस बार मतलब ऐसे क्वेश्चंस लाइन से आए थे, जो हम लोगों ने ध्रुव बैच में डिस्कशन किया था ऐसे लाइन से आए थे। हालांकि मैं ये बात कभी बोलता नहीं हूं, ना मैं इसमें कभी इच्छुक रहता हूं, ठीक है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस, आपके लिखने का तरीका अलग लेवल पे बढ़ जाता है अगर आप ध्रुव बैच एक बार ज्वाइन करते हो और इसके वीडियोज देखते हो, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद जय भारत, नेक्स्ट वीडियो में। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए।